गर्ल है बॉय है? ध्रुव। भैया अपने आप का इंट्रोडक्शन दो, कौन है ध्रुव, कहाँ गए? अभी तो दिखाई दिया। अभी दिख ही नहीं रहा। चलिए क्लीन चेक करते हैं। गुड इवनिंग शिवांगी, कैसे हो? बढ़िया। पढ़ाई कैसे चल रही है भाई सबकी, पहले ये बताओ। सही चल रही है? कह रहे मैम कल ही तो बात हुई थी। आइसोमर्स नहीं समझ आया था ना लीना कल, इसलिए प्रॉब्लम हो गई थी कि मैम ये आइसोमर्स क्या है। अच्छा चल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पहले हमने पढ़ा क्या था, पहले ये देखो क्या पढ़ा था हमने अबाउट द आयनिक बॉन्ड, की इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है। और क्या पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, वॉन हेबर रूल, इसमें हैसेलॉन्ग, ठीक है, जिसके थ्रू एनर्जी का क्या होता है, चेंज, एनर्जी चेंज होती है, ठीक है ना, तभी क्या होता है हमारा आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। अब आयनिक बॉन्ड तो हमारा बन गया भाई। अब उस आयनिक बॉन्ड की कुछ फेवरेबल कंडीशंस बताई थी, कौन कौन सी बताई थी हमने, हमारे पास क्या क्या हाई होने चाहिए, क्या क्या हाई होने चाहिए भाई, बोलो बोलो, कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशंस थी हमारी, बोलो ना। पहला सबसे सब्लिमेशन, यस, कि हमारा क्या है, दैट सब्लिमेशन शुड बी लो, ये बताया था ना, जो सब्लिमेशन एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, शुड बी लो, ये बताया था। सेकंड क्या बताया था, सब्लिमेशन के बाद क्या होता, मेरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ना, वो भी क्या हो जाएगी, दैट शुड बी लो, वो भी हमने क्या बोली थी कि लो होनी चाहिए। थर्ड हमारी कौन सी थी, बॉन्ड को डिसोशिएट किया था भाई, है ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है, वो भी क्या होनी चाहिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी शुड बी लो। नेक्स्ट क्या था हमारा, आयोनाइजेशन गेन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, हाई, क्या होनी चाहिए, हाई। फिफ्थ हमारा क्या है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लैटिस एनर्जी, है ना, लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, ठीक है, ये बताया थी, ये कंडीशन थी, है ना। अब हमारी क्या है, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है क्या हो गया, अब मैंने क्या है, मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, हाई। अब हम जानते हैं जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने का क्या मतलब है, कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या करने की, अपने तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, तभी तो बॉन्ड फॉर्म होगा, है ना, चाहिए वो क्या होगी, हाई होनी चाहिए। हमारा क्या है, जितना क्या होगा एलिमेंट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट शुड बी द लो, मीन्स हमारे क्या है, मेटल्स, मेटल्स पे जो एनर्जी लगेगी वो क्या होनी चाहिए, लो, है ना। ऐसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होने चाहिए, हाई, क्या है, मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारे कहाँ थे, हमारे राइट साइड पे, और लेफ्ट पे कहाँ है हमारे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट लाइक मेटल्स एंड नॉन मेटल, ठीक है ना। तो मेटल्स की एनर्जी शुड बी लो, एंड द नॉन मेटल्स की शुड बी द हाई। हाई क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, तो उसलिए एनर्जी ज्यादा लगेगी, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं, तो एनर्जी क्या करेगी, कम लगेगी। अब इन दोनों को कंबाइन करने के लिए जो एनर्जी लगेगी, दैट इज लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, इन दोनों को कंबाइन करने में जो एनर्जी लगी वो क्या थी, मेरी लैटिस एनर्जी, वो क्या होनी चाहिए, हमेशा हाई होनी चाहिए, ठीक है। ये देखो हमारा क्या है, कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू क्या है, सेपरेशन को कंप्लीट करने के लिए, है ना, जो सेपरेशन हुआ है उसको कंप्लीट करने के लिए, क्या हमने, अगर हमने 1 मोल क्या ले लिया, 1 मोल सोडियम ले लिया, 1 मोल सोडियम को किसके साथ कंबाइन किया, 1 मोल, 1 मोल क्लोरीन के साथ, है ना, 1 मोल सोडियम को, पॉजिटिव को 1 मोल क्लोरीन के साथ कंबाइन किया, तो हमारे पास क्या, उसके लिए 1 मोल क्या लगी, लैटिस एनर्जी। कंबाइन करने के बाद हमको क्या मिला, सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोरीन
नेगेटिव, ये लगा ना, ये तो थी मेरी लैटिस एनर्जी, ठीक है ना। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मेरी लैटिस एनर्जी को अफेक्ट करते हैं? मैंने क्या बताया था, दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है मेरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R2। मीन्स क्या बोला, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैंने क्या बताया था, ये है मेरी लैटिस एनर्जी, है ना, उन दोनों आयन आयोनिक बॉन्ड में कंबाइन करने के लिए। जैसे हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं ना, उनको कंबाइन करने के लिए तो कौन सी एनर्जी लगती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो वैसे मेरे क्या है, पॉजिटिव आयन और कटायन, एनायन और कटायन को कंबाइन करने के लिए कौन सी एनर्जी लगेगी, लैटिस एनर्जी। तो वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में R2। ये क्या है मेरे चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है। अब क्या है, मैंने बोला जो लैटिस एनर्जी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। आर क्या है मेरा, आर क्या है बच्चे, रेडियस, है ना। अब क्या हो गया, आर क्या है मेरा, रेडियस, ठीक है। रेडियस इसमें अब ये रेडियस किसका होगा, रेडियस होगा मेरे कटायन और एनायन का, है ना, केटायन और एनायन का जी रेडियस, उन दोनों का रेडियस। तो कहने का मतलब है कि जितना ज्यादा रेडियस होगा उतनी कम लैटिस एनर्जी लगेगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, राइट। अब कम लैटिस एनर्जी लगेगी तो क्या होगा, वो इजीली कंबाइन हो जाएगा, वो जल्दी हमारा आयनिक बॉन्ड बनाएगा, है ना, राइट। तो क्या हो गया, तो लाइक यू बोलेंगे जो ग्रुप में हमारे लास्ट के एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी लैटिस एनर्जी क्या होती है, ज्यादा के कम, ज्यादा ना, क्योंकि हम क्या जाते हैं, जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो रेडियस क्या होता है बच्चा, इंक्रीज, इंक्रीज होता है ना, तो साइज भी क्या होगा, इंक्रीज, साइज इंक्रीज है तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। ये देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डिक्रीज होगी तो क्या होगा, लैटिस एनर्जी कम चाहिए, है ना, तो क्या होगा, आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो ये है मेरा रेडियस के साथ, ठीक है। अब बात करते हैं क्या है चार्ज। अब जो मेरा लैटिस एनर्जी है वो इन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे चार्ज आयन्स के, जो कैटायन और अनायन पे है। कहने का मतलब है कि जितना जिस पे क्या होगा, ज्यादा चार्ज लगेगा, मीन ज्यादा हमारे कैटायन अनायन फॉर्म करेगा, उसके लिए लैटिस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा चाहिए होगी, है ना। मीन ऐसे बोलो कि जिस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर और गेनिंग होगा उनमें क्या होगा, उनमें लैटिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना, हाँ कि ना, क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही क्या, फिर नो मैम, रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो, इस क्लास को क्या हो गया है, आप लोग बड़े शांत शांत से हो गए हो अब, ठीक है। जैसे क्या है, देखो मेरा क्या है, चार्ज क्या होता है हमारा डिसाइडिंग फैक्टर होता है, जितना ज्यादा चार्ज उतना क्या होगा, मेरी एनर्जी क्या होगी, उतनी ज्यादा एनर्जी। देखो जैसे क्या है, लिथियम और ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, लिथियम और फ्लोरीन ये क्या है मेरे, लेफ्ट टू राइट है, कौन सा पीरियड है, सेकंड पीरियड है ना, सेकंड पीरियड है तो साइज क्या सेकंड होगा, छोटा होगा, छोटा होगा तो क्या है, लाइक पॉजिटिव चार्ज, लाइक एक क्या है, क्यों, क्योंकि भैया हमारे क्या है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है तो चार्ज कितना होता है, कितने इलेक्ट्रॉन कर सकता है ट्रांसफर, एक ना, ग्रुप वाइज एक ना, है ना, तो क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन, लाइक पॉजिटिव नेगेटिव हमारा वन हो गया, चार्ज हो गया हमारा वन, वन चार्ज हो गया, तो क्या हो गया, उनकी लैटिस एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। अब क्या है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कहाँ पे आएगा, बेमक बारात, मीन्स ग्रुप सेकंड, बेरिलियम, मैग्नीशियम, है ना, इसमें है ना, इसमें तो ये कौन सा हो गया, थर्ड, थर्ड ग्रुप, है ना। लेकिन ये क्या हो इसमें गया, इसमें क्या होगा मेरा, वैलेंस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो 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 चार्ज, ठीक है, तो चार्ज हो गया, आयन कितने हो गए, चार हो गए, तो इसमें क्या होगा, इसका क्या है, चार्ज ज्यादा है तो इसकी लैटिस एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो चार्ज क्या होता है मेरा, डिसाइडिंग फैक्टर होता है, समझ आया, ठीक है। अब मेरी मैंने बताया जी कि ऑर्डर क्या होता है लैटिस एनर्जी का, आप लोग एक चीज देखो, ये कौन सा है, पहले तो ये बताओ कि कौन से ग्रुप और पीरियड की बात है, ये कौन से ग्रुप और पीरियड की एलिमेंट है, ये बताइए जल्दी, थर्ड पीरियड वेरी गुड, थर्ड पीरियड, एंड विच ग्रुप बच्चा,
17। वेरी गुड, 17th ग्रुप ना, ग्रुप 17 है ना, ग्रुप 17। एंड कौन सा पीरियड है मेरा, लाइक क्या है ये पीरियड, तो मेरे पूरे हैं 1 2 3 ऐसे, वन सॉरी 2 3 4 5 6 पूरा है ना। क्यों, फ्लोरीन कौन से पीरियड में आ रहा है मेरा, सेकंड में, देन थर्ड, फोर, फाइव है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और किसके साथ है मेरा, पोटेशियम के साथ, पोटेशियम के साथ मींस कौन सा है, फोर्थ पीरियड, नहीं फोर्थ नहीं, सेकंड थर्ड फोर्थ, हाँ फोर्थ थर्ड पीरियड, अरे फोर्थ, लिथियम सेकंड होता है ना, लिथियम, देन क्या है, सोडियम, देन पोटेशियम, ठीक है ठीक है, चलो वो छोड़ दो। अब मैंने क्या बोला, हमारा क्या होता है जब ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो मेरा रेडियस क्या होता है बेटा, रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है, रेडियस इंक्रीज होता है। अब मेरा अगर रेडियस इंक्रीज हो गया तो मेरी लेटिस एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई है ना। तो क्या कहने का क्या मतलब है कि फ्लोरीन की किस पे डिपेंड करेगी, हमारी आयंस पे। अब क्या है इसके आयंस, देखो फ्लोरीन की क्या है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फोर, ठीक है, तो ये क्या है, इसका चार्ज ज्यादा है, तो इस पे क्या होगी, इसको लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी कम चाहिएगी, ज्यादा चाहिएगी ना। फ्लोरीन सबसे पहले आता है, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, पोटेशियम के साथ इसका क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो क्या होगा, इसका साइज कम है किससे, क्लोरीन से, तो इसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, देन इसकी कम कम, आयोडीन की सबसे कम, तो ये क्या है, ऑर्डर ऑफ द लैटिस एनर्जी। अब ये कौन सा है, ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट है, ग्रुप सेकंड ऑक्सीजन के साइड कंबाइन हो रहा है। देखो बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बैरियम, ठीक है, तो ये क्या है मेरा ग्रुप 2। अब ग्रुप 2 कहाँ से शुरू होगा, बेरियम से स्टार्ट हो रहा है, और बेरिलियम से स्टार्ट हो रहा है, बेरियम पे फिनिश हो रहा है, तो ऊपर से नीचे, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, इसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, इसका साइज सबसे छोटा है, इसका साइज सबसे छोटा है, तो लैटिस एनर्जी क्या होगी बच्चा, इसकी ज्यादा होगी है ना, इसकी लैटिस एनर्जी इसमें ज्यादा होगी, मैग्नीशियम की कम, देन कम, तो क्या होगा, डाउन द ग्रुप मेरा क्या हो जाएगा, रेडियस इंक्रीज होगा, लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब ये देखो जरा, अब मैंने क्या बोला कि जितना ज्यादा क्या होगा, चार्ज होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, लैटिस एनर्जी होगी, तो देखो ना ये F3, ये 2, ये 1, तो इसका लैटिस एनर्जी ज्यादा, फिर इसका कम, फिर इसका सबसे कम, समझ आया, इसमें चलिए चलिए। अब बात करते हैं हमारी प्रॉपर्टीज, जिसके जिसमें हमारी लीना बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम फेस किया था इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं, हमने बोला कि क्या प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे आयोनिक कंपाउंड की, ठीक है। पहली जो प्रॉपर्टी होती है कि जो हमारा प्योर कंपाउंड होता है, लाइक मैंने बोला जो आयोनिक कंपाउंड बनता है वो सॉल्यूबल होता है हमारे पोलर सॉल्वेंट में। व्हाट डू यू मीन बाय पोलर एंड व्हाट डू यू मीन बाय नॉन पोलर, मुस्कान, क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पोलर एंड व्हाट डू यू मीन बाय नॉन पोलर, मुस्कान मुस्कान मुस्कान, कहिए मुस्कान मुस्कान, कहिए क्या कह रहे हो, पोलर और नॉन पोलर, कल ही तो बताया था कि जल्दी भूल भी गए। पोलर क्या होता है, जब मैम इसमें मैम इलेक्ट्रॉन डज नॉट शेयर इलेक्ट्रॉन, इक्वल इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होते ऐसा। बस ये बोलना है जो मैंने लिखा है। नॉन पोलर बॉन्ड किसके बीच में बनता है, जैसे मेरा क्लोरीन क्लोरीन है ना, इनके बीच में क्या है, नॉन पोलर है ना, क्यों, क्योंकि क्या है, सिमिलर एटम, सिमिलर एटम है, डिसिमिलर क्या हो गया, एक H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या है बॉन्ड बनाएंगे, तो क्या हो गया, डिसिमिलर एटम होगा, तो ये क्या है, ये पोलर बॉन्ड है, ये नॉन पोलर है ना, तो ये क्या है, जो मेरा आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं हमारे पोलर सॉल्वेंट में। पोलर सॉल्वेंट मीन्स डिसिमिलर एटम, लाइक H2O, ठीक है, लेकिन इसमें भी कब होगा,
इसमें भी वो तब सॉल्युबल होंगे, कहने का मतलब है कि हमने बनाया NaCl। अब NaCl क्या होता है, जनरल फॉर्म में NaCl को क्या बोलते हैं, सोल्ट सॉल्ट होता है। और आप जानते हो सॉल्ट हमारा सॉल्युबल होता है किसमें, वाटर में होता है ना, ये सॉल्वेंट है। यस सर तो कभी सोचा है कि क्यों होता है, क्यों होता है? क्योंकि क्या है, मेरा सॉल्वेंट क्या है, एक पोलर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसमें क्या हुआ कि जब हमारी क्या होती है, NaCl पे मेरी लैटिस एनर्जी लग रही होती है, लैटिस एनर्जी लग रही है, ठीक है। अब ये अगर हमारी क्या है, और जो हमारे क्या है वाटर में होती है हमारी, कौन सी, दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी। कौन सी, हाइड्रेशन एनर्जी। जब मेरी क्या होती है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है मेरी लैटिस एनर्जी से, तब क्या होता है, तब हमारा जो हमारा आयोनिक कंपाउंड होता है वो सॉल्युबल होता है सॉल्वेंट में, पोलर सॉल्वेंट में, ठीक है। क्यों, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी NaCl के क्या है, इस आयोनिक कंपाउंड को, NaCl का जो आयोनिक कंपाउंड बना था, इसके क्या है, इसके बॉन्ड को ना ब्रेक कर देती है। क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है। और जैसे ही वाटर में इसको NaCl को डालेंगे, तो जो इसका पूरा बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर था क्या हो जाएगा, छोटू छोटू में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इसके क्या हो जाएंगे, पार्टीशन हो जाएंगे, ठीक है, ब्रेक हो जाएगा। अब ब्रेक होते ही क्या हो जाएगा, ये वाटर में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। अब समझ आया, क्यों, क्योंकि हमारी यस हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है लैटिस एनर्जी से, इसलिए क्या हो गया, वो हमारा सॉल्युबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या बताया था कि हमारे क्या होते हैं, आयोनिक कंपाउंड का हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों भैया, क्योंकि हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स का आयोनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्वियसली बात है, ये क्या होते हैं, ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी किस फॉर्म में, इन द लाइक लिक्विड फॉर्म, एक्वस फॉर्म में और मोल्टन फॉर्म में, ठीक है। जैसे हमारे मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं ना, है ना। इसमें अब उनका जो आयंस इसमें बनेगा वो भी क्या होते हैं, वो कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बट जब क्या हो, जब हमारे क्या हो, एक्वस या फिर वो मोल्टन स्टेट में हो। जो चीज आपको समझ नहीं आई थी, ये क्या होते हैं, जो हमारे आयोनिक बॉन्ड होता है वो क्या शो नहीं करता है, हमारा आइसोमोर्फिज्म क्या शो नहीं करता, दैट ये क्यों होता है। प्लस अभी बताओ कि जो हमारा आयोनिक बॉन्ड होता है ये होता है नॉन डायरेक्शनल। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। इसी वजह से जो आयोनिक कंपाउंड होता है वो क्या होता है, डू नॉट शो आइसोमरिज्म, ठीक है। अभी बताएंगे आइसोमरिज्म होता क्या है, ठीक है, इतना तो पता चल गया। पहले बताइए, ये तो समझ आया ना, यस मैम इसका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, ड्यू टू हाई हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, मैम आयनिक कंपाउंड है, पॉजिटिव नेगेटिव है, कंबाइन हुए हैं। क्यों कंबाइन हुए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, हम बात कर रहे हैं क्या होता है, आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते हैं, क्यों। पहले आइसोमेरिज्म होता क्या है, ये सुनो, जब हमारा क्या होता है, एक डिफरेंट कंपाउंड हो और उसका सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो, उसे क्या बोलते हैं, आइसोमोर्फ। और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। अब लीना को समझ आएगा, लीना देख और फिर देख, फिर समझ कि क्या है, और समझ आया कि नहीं आया, पहले अपने आप देख फिर मैं तुझे समझाऊंगी, लाइक पूरी क्लास को नोटा सिंगल लीना, ठीक है। यस मैम आ गया। अब समझ आया आइसोमोर्फिज्म क्या यस होता है। तो मैम आ गया। आइसोमोर्फस कंपाउंड क्या होता है, जिसका सेम टाइप का फॉर्मूला होता है, लाइक हमने बोल दिया H2O, D2O, ये क्या है, फॉर्मूला तो सेम है ना, लेकिन क्या है, इनका नाम अलग है, नाम भी ये क्या है, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर ऐसे बोल देते हैं, है ना, है तो वाटर लेकिन फिर भी,
नाम अलग हो जाता है। तो ये क्या हो गया कि जिसका क्या है लाइक सेम टाइप का क्या हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सेम स्ट्रक्चर हो उसका, लेकिन उसका नेम क्या हो अलग हो। जैसे ये क्या है FeSO4.7H2O, ये क्या है ग्रीन विट्रोल है, MgSO4.7H2O ये क्या है इप्सम सॉल्ट है, लेकिन क्या है देखो इनका स्ट्रक्चर सेम है 4.7H2O 4.7H2O, ये क्या है व्हाइट विट्रोल, ये ZnSO4.7H2O, ये क्या है इनका लाइक सेम स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर क्या है सेम है बट क्या है नेम है डिफरेंट, बट नेम क्या है डिफरेंट है। अब ठीक है, ऐसे ही बात करते हैं मेरी पॉलीमॉर्फिज्म की। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स पॉली मीन्स मैनी फॉर्म, मैनी फॉर्म एक ही चीज को मतलब अलग अलग फॉर्म में बोल देना। ठीक है, जैसे क्या है गोलगप्पे को पानी भी पूरी बोलते हैं, पानी बताशा भी बोलते हैं, लेकिन चीज एक ही है। ठीक है, ठीक है, तो मीन्स एक ही चीज क्या है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में मिलती है। ठीक है, मीन्स एक पर्टिकुलर सब्सटेंस इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। एग्जाम्पल है जैमेरा जिंक सल्फेट, वो एग्जिस्ट करता है एज इन स्फेलराइट और वुड्साइट। ठीक है, इसकी क्या है दो फॉर्म है, एक नाम एक है लेकिन अलग अलग शब्दों में यूज करते हैं इसको। ठीक है, अब बात करी थी हमने हाइड्रेशन एनर्जी की। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, जब हमारा एक मोल हमारा गैसियस आयन बना, जैसे मेरा क्या हो गया सोडियम क्लोराइड बनाया। ठीक है, ये क्या बनाया था, वन मोल ही तो बनाया था कि वन मोल हमने सोडियम लिया, वन मोल हमने क्लोरीन लिया, तो हमने क्या वन मोल हमने NaCl बना दिया। तो जो एनर्जी इस बॉन्ड को तोड़ने में लगती है, दैट एनर्जी रिलीज व्हेन वन मोल ऑफ द गैसियस आयन इज हाइड्रेटेड इन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर टू फॉर्म एन एक्वस आयन। क्या हो गया, इसमें जो आयनिक बॉन्ड इसको फॉर्म, इसको क्या है ब्रेक करने में जो एनर्जी लगी दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन। वो भी किसकी एनर्जी, वाटर की एनर्जी, किसकी वाटर की एनर्जी इसको तोड़ने में जो लगी दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। किसका, एक्वस आयन बनाने के लिए, कौन सा आयन एक्वस आयन, मींस वो अपने जैसा बनाना चाहता उसको। ठीक है, तो उसको क्या हो गया हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हाइड्रेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, दैट इज इंटर आयोनिक डिस्टेंस। इंटर आयोनिक डिस्टेंस हमारा अगेन हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होता है हमारा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये क्या होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/r, मींस r प्लस r नेगेटिव, ये क्या है टोटल r, दैट इज रेडियस साइज। ठीक है, जो साइज अगर मेरा क्या होगा आयन का साइज जितना बड़ा होगा उसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी कम होगी और हाइड्रोजन एनर्जी भी क्या होगी कम होगी। ठीक है, क्योंकि क्या है यहाँ पे चार्ज लग रहा था ना Q1 Q2 पॉजिटिव नेगेटिव राइट, है ना, तो क्या है दैट हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज डेंसिटी बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द आयन। जितना ज्यादा साइज होगा आयन का हाइड्रेशन एनर्जी क्या है उतनी ही कम चाहिएगी उसको ब्रेक करने के लिए। ठीक है, समझ आया? यस मैम। चलिए ओके, तो ये भी बता दिया ये क्या है जो मेरा हाइड्रेशन एनर्जी है वो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके चार्ज आयन के। जितना ज्यादा चार्ज आयन होगा चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी और हाइड्रेशन एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है ओके, समझ आया नहीं समझ आया? यस मैम। चलिए, हाँ अब आप लोगों को पता है कि हमारा क्या होता है सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है ना, जैसे हमारा क्या है हमने सॉल्वेंट एज इन वॉटर लिया और सॉल्यूट हमने कुछ भी ले लिया। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, मैम जो सब्सटेंस डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन, हाँ ठीक है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट और जिसमें होना है दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है मेरा सॉल्यूट और सॉल्वेंट से सॉल्यूशन।
है ना। तो क्या है, सही अगर मेरा जो इंटरेक्शन होता है, एक बार सॉल्यूशन तभी तो बनेगा जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन होगा, मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। अब उन मॉलिक्यूल्स को स्टेबलाइज करने के लिए क्या होता है, सॉल्वेशन, ठीक है ना, इन द सॉल्यूशन क्या होता है, वो क्या होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन। अगर हमारा सॉल्वेंट क्या है, वॉटर है, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन, क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन, ठीक है। अब इसमें हमारा क्या होता है, जो डिसोल्यूशन होता है सॉल्यूट का, वॉटर पे डिपेंड करता है हमारा लैटिस एनर्जी पे, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी पे। अभी तो बताया था क्या है, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी पे। अगर मेरी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, क्या है, अगर मेरी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो मेरा क्या होगा, क्या होगा बच्चे, बोलो। तो वो क्या होगा, सॉल्यूबल होगा। आयोनिक कंपाउंड क्या होगा बच्चा, सॉल्यूबल होगा। जिसमें तो हाइड्रेशन, हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, ग्रेटर है किससे, लैटिस एनर्जी से, ठीक है। यस ओके, अब मेरा क्या है, जब हमारी हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से क्या होगी, ज्यादा होगी ना, तो वाटर क्या होगा, बहुत ही ज्यादा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। 2 मिनट बेटा, बच्चे की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है। ठीक है, हाँ। तो क्या होगा, जब मेरी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी लैटिस एनर्जी से, मीन्स हमारा क्या है कि आयोनिक कंपाउंड क्या होगा, मेरा सॉल्यूबल होगा, ठीक है। अब मेरा क्या है, जब सॉल्यूबल होगा तो क्या, हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ही ज्यादा होगी, वो कितनी ज्यादा होगी, जब हमारा वाटर क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा, अबाउट 80, ठीक है। तो उस पे इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स जो लगेगा वो 1/80 टाइम्स लगेगा, मींस हमारा हाइड्रेशन अगर 80 है तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/80, तो मतलब इसमें हो गया कि वो घट गई, ठीक है ना। दैट्स व्हाई क्या हो गया मेरा, उसके मेरे अलग अलग आयंस बन गए, मींस हाइड्रेशन एनर्जी ने क्या किया, सोडियम और क्लोरीन के बॉन्ड को क्या कर दिया, क्या कर दिया, तोड़ दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। क्यों, इनके बीच में क्या लग रहा था मेरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मीन्स उस फोर्स को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, ठीक है, समझ आया यस मैम अच्छे यस मैम से। हाँ, तो अब है कि कैसे डिसॉल्व होता है, पता ही क्या मैंने क्या बताया था, हमारा जो सोडियम क्लोराइड होता है ना, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो 3D होता है, क्या होता है, 3D शेप में, लाइक अ क्यूबिकल फॉर्म में, दिख रहा है ना, क्यूब की फॉर्म में, यस मैम ये क्या है, क्लोरीन सोडियम है ना, ये क्या है, सोडियम एंड क्लोरीन है, हमारे कॉर्नर पे होते हैं, यस मैम ठीक है। अब क्या हो गया, इसका बॉन्ड जैसे ही मेरा क्या हो गया, वाटर में क्या हो गया, डिसॉल्व हुआ, तो मेरे कंपाउंड्स क्या हो गए, ऐसे ब्रेक हो गए, क्या हो गए, ब्रेक हो गए, ठीक है ना, छोटे छोटे आयन, छोटे छोटे में चेंज हो गया, दैट सोडियम अलावा क्लोरीन अलग, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा, इसमें इस तरीके से डिसोल्यूशन हो गया, डिसोल्यूशन ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। इससे पहले भी लाइक और थोड़ी सी चीजें और है, वो बता देती हूँ, ठीक है। अब मेरा क्या है कि हमने देखा किसकी सॉल्युबिलिटी, इसी में लिख देती हूँ, तुम्हें इधर उधर जाना, ठीक है। अब है जैसे मेरा क्या होता है, जो मेरे नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, कौन से, नॉन पोलर, ये तो पोलर था, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट से मतलब, मुस्कान, इसमें मैं आपने बोला जिसमें सिमिलर सिमिलर होता है, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब मेरा, हमने बोला कि हमारे जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं ना, वो सॉल्यूबल होते हैं किसमें, पोलर सॉल्वेंट में, और इनसॉल्यूबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में, ठीक है। मीन्स जो इनका जो डिसोल्यूशन होता है, जो नॉन पोलर, मान लो कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट है, लाइक हमने बोल दिया CCl4, CCl4, लाइक C6H6,
ठीक है, ये कंपाउंड बनाया। अब इसमें इनका क्या है, इनका क्या होता है, इनका लो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है। मीन्स ये क्या है, मीन्स इसमें क्या हो सकते हैं, लाइक इनमें कैपेसिटी नहीं होती है कि वो क्या है आयनिक कंपाउंड को अपने अंदर क्या कर ले, डिजोल्व कर ले। ठीक है ना, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये नॉन पोलर मीन्स डिसिमिलर सॉल्वेंट होते हैं। इसीलिए क्या कह दिया मैंने कि हमारे क्या होते हैं, जो आयोनिक, जो क्या होते हैं, आयोनिक कंपाउंड होते हैं, या ठीक है आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, आर आर सोल्यूबल, सोल्यूबल इन पोलर, इन पोलर, ठीक है, एंड एंड पोलर सॉल्वेंट एंड इनसॉल्यूबल इन, इनसॉल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, अब मेरा जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है मीन्स जो सॉल्वेंट होता है डिक्रीज होता है, अगर मेरी क्या हो आयोनिक डिजोल्विंग सॉलिड क्या हो जाते हैं, अगर डिक्रीज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मेरा क्या होता है वॉटर, वॉटर की क्या होती है डिजोल्विंग, एक तरह से यू लोगों की डिजोल्विंग कैपेसिटी, डिजोल्विंग कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है किससे, मेरे मिथाइल अल्कोहल से, मिथाइल अल्कोहल। ठीक, मीन्स बोलिए कि इसकी 80 होती है तो 35 होती है, देन होती है मेरी इथाइल अल्कोहल, इसकी होती है लाइक 27, देन है मेरा एसीटोन, ठीक है, देन है लास्ट में मेरा ईथर, दैट इज 4.1, दिस इज 21। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है मेरा, यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा, जो मेरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है सॉल्वेंट का डिक्रीज हो रहा है। कैसे हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्यों, मेरी आयनिक सॉलिड भी क्या हो रहे हैं, इसीलिए मेरा क्या हो गया डिक्रीज। इसीलिए अगर मैं पूछूं कि मेरा NaCl ज्यादा सोल्यूबल है, तो मैं पूछूं आप लोगों से किसमें ज्यादा सोल्यूबल है, वाटर में, मिथाइल अल्कोहल में, एथाइल में, एसीटोन में, इथर में, किसमें, क्या बोलोगे, NaCl इज मोर सोल्यूबल इन, किसमें सोल्यूबल होगा, अरे सीधा बोलो वाटर मैम, में लिक्विड होने की क्या क्या, है ना, अभी तो बताया था। इसमें ठीक है, अब मेरे आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड इसमें स्टेट, क्यों, क्योंकि आयन्स क्या होते हैं फिक्स्ड होते हैं, बट एक्वस और मोल्टन स्टेट में क्या होते हैं वो कंडक्टिविटी शो करते हैं, क्योंकि आयन्स क्या हो गए फ्री टू मूव, इधर इधर मूव कर रहे हैं। ठीक है ना, अभी बोला ना ब्रेक हो गए, यहाँ पर देखो ब्रेक हो गए, क्या हो गया Na पॉजिटिव और Cl अलग अलग हो गए, ब्रेक हो गए ना। अब ब्रेक हो गए तो ये क्या है, लाइक इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके क्या है, फ्री है मूव करने के लिए इधर उधर, फ्री है तो क्या हो गया, इजीली पास क्या हो जाएगा, पास कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, लेकिन किसमें, सिर्फ एक्वेस या यस मैम, फिर मोल्टन फॉर्म में। समझ आया, यस मैम, अब देखो, अब एक और चीज कि क्या है, अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, कहाँ जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं। हाँ, अब मैंने बोला कि मेरे डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप इन द सेंस क्या होता है, डाउन द ग्रुप लीना, जैसे मेरा क्या है लिथियम, थोरियम, यस पोटेशियम, रुबिडियम, मैम, पोटेशियम। ठीक है, अब मेरा, मैंने इससे क्या बोला कि इनकी आयोनिक रेडियाई मीन्स पहले छोटा है, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर और थोड़ा सा बड़ा, फिर इसका क्या और बड़ा, फिर ये क्या है, इसका रेडियस तो और भी ज्यादा बड़ा होता है कि नहीं होता यस मैम, है। अब मैंने बोला कि जो मेरी हाइड्रेशन एनर्जी होती है, हाइड्रेशन एनर्जी होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, साइज के, है ना, साइज के इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब मेरा क्या होगा, जिसका साइज ज्यादा होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, इसमें जिसका साइज कम होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगी, बहुत कम इसमें होगी, होगी कि नहीं होगी, है ना, तो यस हाइड्रेशन एनर्जी मेरी मैम, कम है तो क्या हो गया, उसका हाइड्रेशन भी क्या होगा, कम होगा, है ना, उसका हाइड्रेशन भी क्या होगा, कम होगा। तो यस मैम, अगर बोले कि कोई हाइड्रेशन रेडियस बताओ तो क्या बोलोगे, दैट लिथियम पॉजिटिव इन एक्वस फॉर्म इज मोर देन क्या होगा, सोडियम
इन एक्वस फॉर्म सोडियम से क्या हो, देन किसका ज्यादा होगा, पोटेशियम पॉजिटिव मैम एक्वस है ना, देन क्या होगा रुबीडियम एंड देन सीजियम सीजियम है ना, क्यों, क्योंकि क्या है मैम इनका, इनका हाइड्रेशन है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, कैसी है, इसकी ज्यादा है, क्योंकि क्या हो गया साइज ज्यादा है तो सॉरी हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, कम हो गई तो मीन्स क्या हो गया इसका, मैम कम हो गई तो इसका क्या हो गया, इजीली हाइड्रेट हो जाएगा है ना, इजीली हाइड्रेट मीन्स इजीली टूट जाएगा है ना, कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अब लाइक नया चैप्टर नया टॉपिक शुरू करेंगे, पहले यहां तक बताओ सब कुछ अच्छे से समझ आया। ठीक यस है, अब यदि हमने क्या पढ़ दिया कि कंडक्टिविटी, कि ये क्या है कि कंडक्टिविटी, कि क्या है कि जो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी लिथियम में ज्यादा होगी, देन फिर क्या होगी सोडियम में, देन पोटेशियम रुबीडियम, ये है मेरी कंडक्टिविटी का, ये है मेरी कंडक्टिविटी। ठीक है, अब मेरी बात करते हैं मोबिलिटी, मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी होती है मूवमेंट है ना, अब क्या है जिसका साइज ज्यादा है तो उसमें ज्यादा मूवमेंट होगी ना, होगी ना इसमें है, तो क्या होगी सबसे कम मूवमेंट किसी होगी लिथियम में, तो इनका साइज लाइक लिथियम ऐसे जाएगा सोडियम पोटेशियम रुबीडियम स्ट्रोंशियम, ये है मोबिलिटी का, ये क्या है मोबिलिटी मूवमेंट का। ठीक, यस चलिए अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट द कोवलेंट बॉन्ड, क्या पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड, या फिर इसी में आएगा मेरा लुइस डॉट स्ट्रक्चर एंड एंड ऑक्टेट ऑक्टेट रूल, क्या है मेरा लुइस डॉट स्ट्रक्चर और ऑक्टेट रूल। अब मेरा कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है भाइयों, क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड, बोलो ना क्या होता है, जब हमारे क्या होती है इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होती है, जैसे हम लोग क्या है एग्जाम दे रहे हैं, एक का क्या हो गया पेन खराब हो गया, एग्जाम देने के लिए क्या कर रहे हैं पहले तू लिख ले फिर मैं लिख लूं, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया म्यूचुअल शेयरिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग राइट है ना, तो कोवलेंट बॉन्ड भी कैसे फॉर्म होता है, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, ठीक है, इससे क्या बन रहा है मेरा कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। ठीक इसमें है, अब क्या होते हैं ये कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब लाइक ऐसे बोले कि टू एटम्स हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेम इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, जैसे मेरा क्लोरीन क्लोरीन है ना तो ये क्या बनाते हैं, जब दो एटम के पास हमारी क्या है सेम इलेक्ट्रो नेगेटिविटी है तो वो क्या फॉर्म करते हैं मेरा, क्या फॉर्म करते हैं प्योर कोवलेंट बॉन्ड, प्योर कोवलेंट, या फिर ये कैसे बोल सकते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, या फिर क्या बोलेंगे नॉन पोलर हो गया सिमिलर सिमिलर है ना, इसमें नॉन पोलर कोवलेंट यस मैम बॉन्ड, समझ आया। ठीक इसमें है, अगर क्या है अगर दो एटम्स की क्या है डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो यस मैम या क्या यस, अगर दो इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो तो कोवलेंट बॉन्ड क्या फॉर्म होगा, उसे कौन से उसे किस तरीके का कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे, ये तो नॉन पोलर हो गया, अगर मैंने बोला टू एटम्स हैव डिफरेंट क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तब तब क्या होगा, तब क्या फॉर्म करेंगे वो बोलो, बॉन्ड बट कौन सा बॉन्ड, पोलर मैम पोलर कोवलेंट बॉन्ड हाँ पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, तब क्या फॉर्मेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, तो इस पूरे स्ट्रक्चर लाइक अगर इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, इसके बाद हम पढ़ेंगे 2 मिनट, इसमें हम ये बता देती हूँ हमें क्या क्या पढ़ना है,
उस पूरे में हम पढ़ेंगे हमारा लुईस डॉट रूल, ठीक है, लुईस डॉट, देन हम इसमें पढ़ेंगे हमारी वैलेंस इलेक्ट्रॉन थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। थर्ड क्या पढ़ेंगे इसमें, वैलेंस, वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, एंड द लास्ट इज, लास्ट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मीन्स MOT, मॉट, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे, अबाउट द मॉट, ये सब पढ़ेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बात करते हैं मेरा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जैसे मेरा क्लोरीन होता है, क्लोरीन में डिपेंडिंग ऑन देखो, रिक्वायरमेंट फॉर बॉन्ड। हाँ, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें क्या है कि क्या है, सिर्फ एक पेयर, मीन्स दो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। क्लोरीन का क्या होता है, 17 होता है ना, है ना, क्लोरीन का होता है 17। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, बनाओ, वन एस वन एस टू 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 एस एस टू 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 पी सिक्स थ्री एस टू टू एस थ्री पी फाइव, पांच तो चार, है मैम, ना, ऐसे तो यस होता मैम, है। इसको भी यस एक मैम, चाहिए, इसको भी चाहिए, तो ये क्या हो गया, इसको इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, अब ये क्या करेगा, ऐसे शेयर करेगा, है ना, यस मैम, ऐसे तो शेयरिंग करेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, लाइक वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स क्या हो गए, एक एक पेयर, लाइक एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, वो शेयर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे उसको बच्चे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। और किसके थ्रू होता है ये, बाय द ओवरलैपिंग, यस मैम, है ना, ओवरलैपिंग ऑफ ऑफ द ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स की क्या होती है इसमें, ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट आता है मेरा डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट मीन्स, मीन्स जो दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है भाई, ऑक्सीजन का बताओ। एट हाँ तो बता, मैम, 1s2, 2s2, 2p 4, है ना, तो इसको क्या चाहिए, फोर इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो ये क्या करेगा, यस लाइक ये दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है, ऐसे बॉन्ड फॉर्म करता है डबल, है ना, ऐसे मैम, तो होता है ऑक्सीजन में, देखा है ना, डबल बनता है ऐसे 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 तो लिखते हो, है ना। तो ये क्या होता है कि इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर रहे हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके ये अपना ऑक्टेट पूरे कर रहे हैं। और किस में हो रहा है, किस टाइप का बॉन्ड बन रहा है, किस टाइप का, नॉन पोलर की पोलर, नॉन पोलर बच्चे, है ना, नॉन पोलर, इसमें ये क्या है, सिमिलर एटम है ना, सिमिलर एटम है, तो मेरा नॉन पोलर बॉन्ड बन रहा है इनमें, ठीक है। अब इसमें है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, सोडियम सोडियम, सॉरी नाइट्रोजन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या क्या यस होता मैम, है, सेवन, एम सेवन, वन एच टू, वन टू एस एच टू टू एस टू, टू 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 पी पी थ्री, थ्री थ्री, तो इसको क्या चाहिए, थ्री, तो क्या है, यस लाइक मैम, एक दो तीन, एक दो तीन, इसलिए नाइट्रोजन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसे क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, है इसमें ना। इसलिए क्यों ट्रिपल, क्योंकि तीन तीन इलेक्ट्रॉन का शेयर, इसलिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में मेरा क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा, ट्रिपल बॉन्ड। ये बता दी है, ऐसे इसको बोलते हैं मेरा क्या, लुईस डॉट थ्योरी, लुईस डॉट थ्योरी, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है, आज डिस्कस करेंगे। देन हमारा क्या है, VBTs and VSP pair when mode, ठीक है, ये पढ़ेंगे। चलो भाई अब मेरी लुईस अप्रोच कहती क्या है, क्या कहती है, कोई भी एटम है, ठीक है। अब एटम में क्या होते हैं, मेरा जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जिसे कर्नर भी बोलते हैं, न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब मेरे आउटर, आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं, मेरे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, ठीक है ना, शेयर होंगे, बाय द शेयरिंग वो क्या होते हैं, बॉन्ड फॉर्म करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, बनाते हैं कि नहीं बनाते, स्वयं
है ना। तो लुईस अप्रोच क्या कहती है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को ई लिखने की बजाय क्या है, डॉट की फॉर्म में लिख दिया। क्या लिख दिया? डॉट की फॉर्म में। ठीक है, कैसे? देखो ये क्या है, मेरी लुईस अप्रोच है, ये कर्नल है, ये तो से खरीदना नहीं है, छोड़ो। अब क्या है, ऑक्टेट रूल आए, लुईस मेथड ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट। इसका क्या है, ऑक्टेट रूल। क्या कहता है ऑक्टेट रूल? कि कोई भी हमारा एटम है, ठीक है, कोई भी हमारा एटम है, वो क्या करेगा, क्या कहता है बेटा? अपना ऑक्टेट पूरा करेगा ना। प्लीज अब इस ऑक्टेट को पूरा करने के लिए क्या करता है वो, या तो इलेक्ट्रॉन देगा या फिर इलेक्ट्रॉन को इसमें देगा, है ना। तो क्या होता इसमें है ऑक्टेट रूल, क्या कहता है, द टेंडेंसी ऑफ एटम हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। वैलेंस शेल मीन्स, वैलेंस शेल मीन्स आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल को ही तो वैलेंस शेल बोलते हैं, है ना। तो क्या है, ऑक्टेट रूल कहता है कि कोई भी एटम है, कोई भी एटम है, उसके बाहर वाले आउटर शेल में कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसमें एक्सेप्ट मेरा क्या है, एक्सेप्शनल है मेरे हाइड्रोजन और हीलियम। इसके क्या है, वो तो डबल से ही काम कर लेते हैं, वो बेचारे थोड़े में ही छान रहते हैं, उन्हें ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, वो क्या है, वो क्या है, उनके तो सिर्फ डबल, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट। ठीक है, अब जैसे क्या है, ये मेरी करेंगे हम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। करना जरा वेरो, देखो ये क्या है, स्टेबल है ना, स्टेबल है ना। ये क्या है, क्या है, ना देना ना लेना, हीलियम को दो है, स्टेबल इसमें है, कौन कौन से स्टेबल है बता रखा है। ठीक है, नियॉन, नियॉन क्या होती है मेरी, जो मेरी सारी इनर्ट गैसेस है वो क्या है, स्टेबल है। लाइक मेरी इनर्ट गैसेस और मेरी नोबल गैसेस है वो क्या है, स्टेबल है। क्यों स्टेबल स्टेबल है, क्यों इसमें स्टेबल है, क्योंकि क्या है, इसमें उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसीलिए क्या है वो स्टेबल स्टेबल है, इसीलिए वो कोई बॉन्ड नहीं बनाती है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट जिनॉन एंड क्रिप्टॉन। आगे पढ़ेंगे कि ये दोनों क्या है, ये बड़े लालची हैं, ठीक है, इन्होंने क्या है, बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, कौन, जिनॉन एंड क्रिप्टॉन, ये क्या कर लेते हैं, बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, कहते हैं देर इज सही एक्सेप्शनल, होता है भैया, एक्सेप्शनल चीजें होती हैं लाइफ में। ठीक है, चलिए अब क्या है, ये क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स को बाय द ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में क्या किया, ट्रांसफर कर लिया, या फिर हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया। ऐसे तो मेरे इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो रहे थे, जहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था वहां पे क्या बन रहा था, मेरा आयोनिक बॉन्ड, है ना। और इसमें बाय शेयरिंग किस में हो रही है, मेरी कोवलेंट बॉन्डिंग। मूवलेंट समझ आ रहा है अच्छे से, कहीं कोई इसमें डाउट तो नहीं चल रहा आज? नहीं चलिए, अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या कहता है, ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या कहता है कि मेरे क्या है, एग्जाम्पल दिया मेरा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन मैंने क्या बोला कि हाइड्रोजन और हीलियम क्या है, ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन से खुश रहते हैं। तो बोला हाइड्रोजन कहता है कि मेरे आउटर मोस्ट में एक है, इसने बोला कि मेरे भी आउटर मोस्ट में एक है, तो ये क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्म करके इलेक्ट्रॉन्स की क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, बाय द डॉट लिख दिया, डॉट है ना, हो गया ना। ठीक है, अब मेरा ऐसे ही क्या हो गया, मेरा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या होता है, 7 होता है, इसका सेवन इलेक्ट्रॉनिक कौन, 1s2, टू एस टू 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 एस टू 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 पी सी थ्री अब इसको क्या चाहिए ऑक्टेट बनाने के लिए, यहाँ पे तो 5 है, मीन्स रिक्वायरमेंट किसकी है, 3 इलेक्ट्रॉन अभी चाहिए। इसमें ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन के इसमें लिए क्या कर रहा है वो, आपस में ही कर देते कि चलो हम किसी से बॉन्ड नहीं बनाए तो आपस में शेयरिंग कर लेते हैं, तो इनके बीच में क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे उसको बोल देंगे, क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब आउटर मोस्ट शेल को भी तो लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं इसमें लिखते, अब आउटर मोस्ट में है कितने मेरे, 5, तो 5 मैंने लिख दिए, इसमें इस तरीके से इसको क्या कर दिया, इसमें डिनोट कर दिया। ठीक है, अब मेरा क्या होता है, लाइक इनके लिए भी हमारे क्या 1 पाई और 2 पाई रूल होता है करके, वो आगे करके बताएंगे। ठीक है, अब मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आप मुझे बताओगे, फर्स्ट ग्रुप में कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वन वेरी गुड। जैसे मैंने बोला फर्स्ट ग्रुप, ग्रुप की बात हो रही है, ग्रुप लिख रही हूं मैं, वन ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप में मेरे 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, सेकंड ग्रुप में, सेकंड में, टू वेरी गुड, नाउ 13 में,
वेरी गुड, 14 में, फोर वेरी गुड, 15 में, वेरी गुड, 16 में, सिक्स, वेरी गुड, 17 में, सेवन, और 18 वालों का तो उनका तो ऑक्टेट पहले ही पूरा होता है, ठीक है। ये क्या है, मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इनकी वैलेंसी क्या होती है, यहाँ तक तो वैलेंसी क्या होती है, पॉजिटिव, 1, 2 लेके 4 तक पॉजिटिव में, और यहां से लेके यहां तक क्या होती है मेरी, नेगेटिव में, 3 to 0, है ना, है ना। इनकी क्या होती है, 3, 2, 1, 8 में से माइनस किया था, तो ये क्या है मेरी वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट, बताया था, यस मैम, ठीक है। अब मेरा क्या है, अब नाइट्रोजन में भाई ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो इसको ब्रेक करने के लिए क्या होगी, इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, इसको ब्रेक करने के लिए इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो क्या होगी, बहुत हाई होगी, यस मैम, ऑब्वियसली हाई होगी भाई, ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। अब मेरे क्या है, ये तो भाई सिमिलर सिमिलर स्ट्रक्चर वाले हो गए, ये तो क्या है मेरे सिमिलर सिमिलर स्ट्रक्चर आ गए, ठीक है। अब मैंने बोला कि क्या है, मैं बोलू कि मेरे पास ना डिफरेंट, ये तो पोलर नॉन पोलर के थे, अब पोलर वाले कौन कौन से होते हैं जो डिफरेंट होते हैं वो बताओ जरा, जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन का हो गया, है ना, हाइड्रोजन और क्लोरीन का हो गया, हाइड्रोजन एंड प्रोमीन का हो गया, हाइड्रोजन एंड आयोडीन का हो गया, ये क्या है भैया, ये क्या है, ये डिफरेंट है, पोलर स्ट्रक्चर है ना, पोलर बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब मेरा हम मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर भी वही बतानी जरूरी है, 2 मिनट एक बार देखो, चलो यहाँ पर लिख देती हूँ। हाँ, तो मैंने बोला कि डॉट स्ट्रक्चर एक बार डिस्क्राइब करते हैं, किसका, डॉट स्ट्रक्चर या फिर लुइस, लुइस डॉट स्ट्रक्चर, सबका बताते हैं, चलो भाई डेप्थ में चल रहे हैं इसलिए थोड़ा आराम से, ऐसा भी नहीं है कि स्लो नहीं चल रहा, बहुत सही चल रहा है, ठीक है। अब मैंने बोला कि क्या है, जब हम जो हमारे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, डेट बोले कि वैलेंस, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आर रिप्रेजेंटेड किसकी फॉर्म में, रिप्रेजेंटेड इन दी फॉर्म ऑफ डॉट, डॉट की फॉर्म में उन्हें क्या करें, रिप्रेजेंट करें अराउंड, किसके अराउंड, दी अराउंड दी सिंबल, सिंबल एलिमेंट, जो एलिमेंट है उसके अराउंड, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक है। जैसे मेरा फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में क्या आता है मेरा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को ऐसे डॉट लिख दिया मैंने। अब सेकंड पीरियड में क्या आते हैं मेरे भाई, लिथियम, सेकंड पीरियड में क्या रहता है, वेरी गुड, लिथियम, पूरा बताओ, बेरियम, 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 बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड देन नियॉन, यस मैम, ठीक है, नियॉन, वैसे तो हाइड्रोजन और हीलियम भी तो होता है यहाँ पे, तो हीलियम का केवल दो दो, ठीक है ना, फर्स्ट पीरियड में। तो क्या है, लिथियम का क्या होता है, फर्स्ट ग्रुप है तो कितने होंगे इलेक्ट्रॉन इसमें, 1, बेरिलियम, बेरिलियम के 2, बोरोन में कितने होते हैं, 3, कार्बन में 4, यस मैम, नाइट्रोजन में 5, 1, 2, 3, 4, 5, ऑक्सीजन 6, 6, ठीक, फ्लोरीन 7, 7, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 2, 4, 6, 7। अब ये नियोन क्या है, ये तो इसका तो पूरा ही ऑक्टेट पूरा है, ऐसे हो जाएगा, है ना। अब मेरे थर्ड पीरियड में कौन से होते हैं भाई, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, है ना, ऐसे ही ग्रुप वन है तो भाई एक ही इलेक्ट्रॉन होगा इसका, ऐसे ही मैग्नीशियम है तो इसके 2, सेम इसका एल्यूमिनियम के 3, सिमिलर होगा सब, ये 4, है ना,
ये फाइव पांच, इसमें, ये छह, ऐसे करके देन इसमें सात एंड ये कंप्लीट। इसको तो ऐसे लिख दो, हो गया कंप्लीट। तो ये क्या है भाई, ये क्या है मेरे पीरियड और ये क्या है मेरे ग्रुप, ग्रुप और पीरियड। समझ आ गया कैसे होता है। इसमें चलिए भाई अब नेक्स्ट आता है मेरा कि हम बताते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल जैसे क्या हो गया कि हर एक एलिमेंट क्या चाहेगा, अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा। क्यों, किसके लिए, किसके लिए। मेरा ऑक्टेट रूल क्या कहता है, ऑक्टेट रूल दैट एवरी एलिमेंट या फिर एवरी एटम वॉन्ट्स टू कंप्लीट, क्या करना चाहता है अपना, वॉन्ट्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, इसमें है ना। तो इन ऑर्डर किस लिए कंप्लीट करना चाहता है, तुम किस लिए पढ़ना चाहते हो, तो स्टेबिलिटी के लिए है ना। इसमें और ये कैसे करेगा, इधर इधर बाय ट्रांसफर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन और या फिर और शेयरिंग। हाँ वेरी इसमें गुड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम, ऑक्टेट रूल। इसे क्या बोलते हैं बच्चा, ऑक्टेट रूल। फॉर एग्जांपल है मेरा CH4, CH4। अब CH4 में क्या होता है, कार्बन लाइक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सेवन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब कार्बन क्या है, कार्बन के बाहर आउटसाइड कितने होते हैं मेरे, सिक्स कार्बन ठीक। सिक्स कार्बन के फोर मैंने बेटा सोचा कि इसमें इलेक्ट्रॉन फोर फोर आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। अब इसमें हाइड्रोजन का एक होता है, हाइड्रोजन के एक इसमें होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे क्या हो गई, बॉन्ड बन गया, बॉन्ड इसमें बन गया है ना, बॉन्ड बन गया सॉरी। ठीक है, ये बॉन्ड बन गया, यहाँ पे ये बॉन्ड बन गया और यहाँ पे ये बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पे क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, शेयरिंग ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, शेयरिंग। इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से देखो ना। तो क्या हो गए, कार्बन के भी कितने हो गए, चार हैं, चार शेयर कर ली, चार चार आठ। और हाइड्रोजन के भी क्या थे, चार थे, और चारों ने क्या क्या, एक एक ले लिया, ठीक। इसमें तो ये क्या हो गई, CH4 की लाइक ऑक्टेट पूरा हो गया, ठीक है, ऑक्टेट पूरा हो गया। ऐसे मेरा क्या है, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में क्या बनता है, मैंने बोला वन क्लोरीन सेकंड क्लोरीन। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है भैया, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये लो सात होते हैं, दो चार छह सात, ठीक है। इसमें 17 ग्रुप में होता है, सात होते हैं, दो दो चार दो छह और दो सात, हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेगा ये, इलेक्ट्रॉन के पहले बॉन्ड बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, शेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन है ना। इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, शेयरिंग हो जाएगी। यहाँ पे भी क्या बन गया, क्लोरीन क्लोरीन Cl2 बन गया, क्या है, एट इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए, एट इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए, हो गए ना, हो गया, इसमें टेबल हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया। अब नेक्स्ट है, मैंने बोला वाटर, वाटर का बनाओ, कैसे बनाओगे, इसमें क्या होता है, ड्यूपलेट मैम बनेंगे वो है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन नीचे यहाँ पे ऐसे होगा, नीचे ऑक्सीजन में कितने होते हैं, सिक्स इसमें दो दो चार पक्का छह, इसमें सिक्स ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, सिक्स। तो यहाँ पे है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब ये किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, दो हाइड्रोजन है ना, लाइक इसमें वन हाइड्रोजन वन हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसने क्या बना लिया, बॉन्ड बना दिया, लाइक ये हाइड्रोजन का एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऐसे शेयरिंग हो गई, ऐसे शेयरिंग होगी, दो चार छ ऐसे, है ना, ऐसे इसमें इस तरीके से बन गया, है ना। इसमें
यहाँ पर क्या हो गया, इसके दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन को तो क्या चाहिए, इसको दो इलेक्ट्रॉन से मतलब है, इक्कीस मैम, इसको एट 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 इलेक्ट्रॉन से मतलब है। ठीक है, आज के लिए इसमें काफी, या मजा आ रहा है पढ़ने में? और पढ़ना है मजा आ रहा है। बट मेरी क्लास है। चलिए ठीक है, तो इसे कल कंटिन्यू करते हैं, कल क्लास है। हाँ है, ठीक है, कल ओके मैम, कल क्लास नहीं है। तो नो मैम, चलो कोई बात नहीं, हम फ्राइडे मिलते हैं, फ्राइडे को इसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, ओके मैम, और स्पीडली करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब तो बना के बोर्ड बनाने आ गए ना, वो ज्यादा जरूरी है। यस मैम, चलिए ठीक है, ओके बाय बाय। ओके।